We have one more uh, question based on uh, Slater's rule. Very important. Calculate the effective nuclear charge in the periphery of number one nitrogen atom and number two copper atom. So, number one we are taking periphery. Please pay attention, the word is periphery. Periphery is the end, last point. Jo hai. आपको कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक uh, uh, वो नहीं दिया गया है इलेक्ट्रॉन पेरीफ्री में लास्ट तक कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है इस पे वो कैलकुलेट करना है तो इन केसेस में डिफरेंस क्या है जैसे नाइट्रोजन पहले आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखिए वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री फिर उसके ग्रुप्स बनाइए देन यू नो एस इज इक्वल टू पॉइंट थ्री फाइव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल फाइव इलेक्ट्रॉन्स हम पहले फोर लेते थे बिकॉज हम एक जो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन होता था उसको निग्लेक्ट करते थे कि जो उसको हम नहीं लेंगे पर यहां पेरीफरी पूछा गया है तो जहां भी पेरीफरी पूछा जाए देयर यू टेक ऑल द इलेक्ट्रॉन इन टू कंसिडरेशन सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां फाइव से एंड एन माइनस वन हेयर इज वन एस ऑर्बिटल तो पॉइंट एट फाइव इंटू टू वी गेट थ्री पॉइंट फोर फाइव एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेवन माइनस थ्री पॉइंट फोर फाइव विच इज थ्री फाइव फाइव थ्री पॉइंट फाइव फाइव देन सेम इन द केस ऑफ कॉपर एटम यहाँ पेरीफरी पूछा गया है पेरीफरी तो पेरीफरी में हमें फोर हमें पेरीफरी मतलब हमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको भी कंसिडर करना है अदरवाइज हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं अगर आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर फोर एस ऑर्बिटल ऑफ कॉपर एटम तो आप इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते आप जीरो इंटू पॉइंट थ्री फाइव करते लेकिन यहाँ पेरीफेरी पूछा गया है सो वी विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन इंटू कंसिडरेशन पॉइंट थ्री फाइव इंटू वन प्लस पॉइंट एट फाइव इंटू एटीन एन माइनस वन हेयर इज एटीन इलेक्ट्रॉन और n माइनस टू में आपके हैं टेन इलेक्ट्रॉन इंटू वन सो इट कम्स आउट टू बी ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अटोमिक नंबर जो है आपका कॉपर का दैट इज ट्वेंटी नाइन सो ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव विच इज फोर पॉइंट थ्री फाइव देन नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर्स रूल्स वट आर द एप्लीकेशन क्या इसके फायदे हैं स्लेटर रूल के तो पहले तो है ये जस्टिफाई करता है जो सीक्वेंस है ऑर्बिटल की जैसे हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें हम एक सीक्वेंस लिखते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू तो वो सीक्वेंस को ये जस्टिफाई करता है दूसरा है इट हेल्प इन फिलिंग ऑफ इट हेल्प इन फिलिंग ऑफ एन एस ऑर्बिटल्स प्रायर टू एन माइनस वन डी ऑर्बिटल जस्टिफाई करता है कि 4s ऑर्बिटल जो है वो लोअर है एनर्जी में 3d ऑर्बिटल से कैसे एग्जाम्पल हम पोटेशियम का लेंगे z इज इक्वल टू नाइनटीन अब इसमें दो केसेस हैं व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4s ऑर्बिटल जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में एंटर करता है पहले आप इसकी कॉन्फिग्रेशन लिखिए फिर आप इसको ग्रुप्स में डिवाइडेड डिवाइड कर, कर दीजिए अब नाउ वी विल फाइंड आउट the uh, effective nuclear charge for 4s electron in potassium so electron in the same group 0 0.35 this electron is under consideration to so is 0 then 0 0.85 into 8 plus 1.0 into 10 this comes out to be 16.80 then z effective nuclear charge is 19 minus 16.80 which is 2.20 then we have next अब इस केस में आपका 2.20 आया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है नाउ वी विल टेक अनदर केस वेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स थ्री अब अगर हम 3D में एंटर करवाते हैं आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा वॉट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर कंसिडरेशन तो पॉइंट थ्री फाइव इंटू जीरो जीरो हो जाएगा नाउ डी के जो लोअर ऑर्बिटल्स uh, हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनके लिए जो एस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वन तो वन इन टू एटीन दैट इज एटीन तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज देट माइनस एस नाइनटीन माइनस एटीन वन इट कम्स आउट टू बी वन तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए फॉर फोर एस एंड थ्री डी द इलेक्ट्रॉन इन फोर एस ऑर्बिटल इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज 2.20 प्वाइंट टू इलेक्ट्रॉन इन थ्री तो आप देखिए फोर जो एस में जो इलेक्ट्रॉन है उस उसपे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन थ्री डी में है देअर फोर इन ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इन फोर एस विल बी मोर अट्रैक्टेड टू वर्ड न्यूक्लियस तो जो फोर एस में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि वो ज्यादा उस उसपे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस की तरफ, uh, तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ जो है आपका थ्री डी ऑर्बिटल जो है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्ट कर रहा है वो कम कर रहा है तो क्या होगा उसकी एनर्जी कंपैरिजन में हायर होगी देयर फोर इन ग्राउंड स्टेट फोर एस ऑर्बिटल इज अक्यूपाइड इन प्रेफरेंस टू थ्री डी ऑर्बिटल यहाँ